News 18, India. और संदेश पाली पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, खबर है कि पीएम मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वो वहां के 12-7 शहर में महिलाओं को संबोधित करेंगे। संदेश खाली 12-7 इलाके में ही पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 7 मार्च को बंगाल का दौरा कर सकते हैं और साथ ही उनकी तरफ से 12-7 में महिलाओं को संबोधित किया जा सकता है। देखिए, आपको बता दें कि संदेश खाली जो है वो 12-7 इलाके में ही पड़ता है। ऐसे में अगर पीएम 7 तारीख को वहां जाते हैं, महिलाओं को संबोधित करते हैं, तो एक अलग इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं और 7 तारीख को उनकी रैली होने वाली है। अभी तक ये तय हुआ है, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है अमेठी से, जहां आज सियासी पारा हाई रहने वाला है। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जनसंवाद विकास यात्रा भी आज है। और ऐसे में एक ही दिन में राहुल, प्रियंका और स्मृति ईरानी की अमेठी में मौजूदगी से दोनों ही दलों के समर्थकों का उत्साह चरम पर रहने वाला है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ स्मृति ईरानी का जनसंवाद है वहां पर, दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा वहां पर पहुंच रही है। और ऐसे में अमेठी का सियासी पारा आज काफी हाई रहने वाला है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अमेठी पहुंचने से पहले सूत्रों के हवाले से भी खबर है, अखिलेश यादव राहुल गांधी के अमेठी में होने वाली न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। खबर है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय न होने तक अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दोनों पार्टियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया। पहले राहुल और अखिलेश ने अमेठी में मंच साझा करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव जो है वो शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी भी आज से 4 दिन के अमेठी दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन स्मृति ईरानी अमेठी विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पहुंचकर जनसंवाद विकास यात्रा के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगी। आज स्मृति ईरानी 9 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगी। जनसंवाद विकास कार्यक्रम के तहत स्मृति ईरानी वहां पहुंच रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुनेंगी और वहां पर आज राहुल गांधी की भी मौजूदगी है। अमेठी से ये बड़ी जानकारी मिली। और चलिए अब बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कमलनाथ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बहुत ज्यादा मान मनोबल के मूड में नजर नहीं आ रहा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ से खुश भी नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पार्टी की तरफ से कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बतौर अध्यक्ष खुली स्वतंत्रता दी गई और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। बावजूद इसके बीजेपी में जाने की खबरों पर अब तक कमलनाथ की तरफ से इनकार न किए जाने पर कांग्रेस नाराज है। तो फिलहाल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है कि वो कमलनाथ को मनाने के मूड में है, क्योंकि ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं।